हेलो दोस्तों, मेरे पास वलसाड में मेरे साथ बैठे हैं सुनील जी। और सुनील जी के कुछ बहुत ही अनूठे एक्सपीरियंस हैं जो मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको हिली के अपने अनुभव के बारे में बताएंगे। मगर इनका एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सुनील जी के आप यहाँ पर सर पर देखेंगे तो मैं छू तो नहीं पा रहा हूँ, मगर ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा गड्ढा है। एक्चुअली बहुत ही बड़ा सा गड्ढा है। तो सुनील जी, पहले आप ये बताएं कि ये जो गड्ढा है आपके सिर पे, ये कैसे बना इतना बड़ा गड्ढा और कब बना? स्कूल में जब पढ़ता था 10th में तब मेरे को लोहे का गोला लगा था, 18 किलो वाला। अच्छा, और उससे फिर क्या परेशानी होती थी आपको तब से? परेशानी देखो, फिर ऑपरेशन बहुत सारे हुए, मेरे को भी याद नहीं है छोटा सा तो कितने ऑपरेशन हुए ऐसा। और 4 महीना हॉस्पिटलाइज था मैं। अच्छा। आज 22-23 साल से रेगुलर गोली खा रहा हूँ माइग्रेन का। अच्छा। और मेरे को ये गोला लगा था ना, उसकी वजह से क्लाउड हो गया था, जैसे देसी भाषा में बोलें तो हेमरेज बोलते हैं उसको। हाँ। वो छोटा सा माइनर रह गया था। तो ये हीली वापरने से, कितने समय से आप हीली यूज कर रहे हैं? 1 महीना हुआ होगा। अच्छा, हीली से क्या फायदा हुआ आपको? और उसकी वजह से, क्लाउड की वजह से है ना, मेरे इधर के स्नायु पूरे सूख गए थे, यानी ये सेंसिटिविटी सब चला गया था ऐसा। अच्छा। तो 1 महीने में ये मेरा पानी भरना भी बंद हो गया, गोली भी बंद हो गया और ये क्लाउड भी चला गया। नहीं तो वो जो आपका सिर पे जो आप बता रहे गड्ढा, वहाँ पानी भरता था? हाँ, रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो पूरा गड्ढा ऐसे ऊपर आ जाता है, यानी ये पानी है ना पूरा ये लेवल हो जाता है ऐसा। तो पहले पानी निकालते कैसे थे वो? नहीं, वो ऐसे है ना, वो विष्णु भगवान कैसे मुंद्रा में बैठते हैं, 15-20 मिनट ऐसे बैठता था तब। अच्छा। वो पानी धीरे 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 नीचे जाता था। अच्छा, तो अब आप हीली यूज करते तो पानी ऊपर नहीं आता है? नहीं आता है। और एक तकिया मैंने कम भी कर दिया, 3 तकिया लेके सोता था, अभी 2 पे आ गया ऐसा मैं। अच्छा। और सुबह 10 बजे से पहले मैं मेरी जिंदगी में कभी नहीं उठा, अभी 5 बजे उठ के रोज 7-8 किलोमीटर चलने जाता हूँ बिकॉज ऑफ हीली। तो पहले आपको मतलब चलना फिरना की दिक्कत होता था आपको? दिक्कत नहीं होता था, पूरा बॉडी कंटाला ही आता था। अच्छा। क्योंकि वो मैं डॉक्टर से बात किया तो बोलता है इतना बड़ा ऑपरेशन किया है तो बॉडी में वीकनेस तो रहने ही वाला है, क्योंकि तेरी जो दिमाग की नसें है ना वो कोई ब्रेक हो गई है, वो हम लोग को पता नहीं चलता, तो क्या थोड़ा तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसा। क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि मैं तो छूने में भी डर लगता है मेरे को, कि आप देखेंगे तो ये पूरा गड्ढा है, इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। तो हिली के आप कौन से प्रोग्राम्स लेते हैं? मैं अभी तो खाली गोल्ड साइकिल ही ले रहा हूँ, दूसरा मैं कुछ लिया ही नहीं। क्या बात है, सिर्फ गोल्ड साइकिल से? खाली गोल्ड साइकिल से। हाँ, ये जो खड्डा है ना वो मेरा इधर तक था, खाली 20 दिन में इधर तक आ गया, और ये मेरी हथेली है ना पापड़ जैसी थी। तो ये इस पे फर्क क्या, उसी से पड़ा था आपका? हाँ, नहीं, इधर के जो मेरे स्नायु है ना वो पूरे वीक हो गए थे, ये मेरे हाथ देखो। इसमें ग्रिप ही नहीं था, मेरा जेरोक्स का दुकान है, मेरे को पेपर पलटाने का होता है तो मेरे को ग्रिसलिन यूज करना पड़ता था। अच्छा। अभी मेरे को ग्रिसलिन का जरूरत नहीं पड़ता, यानी ग्रिप आया मेरे हाथ में थोड़ा थोड़ा। और अभी तक आपने सिर्फ गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम्स ही लिए हैं? हाँ, खाली गोल्ड साइकिल ही घुमा था, और कुछ नहीं लेता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। दिन में कितने प्रोग्राम्स आप लेते हैं? हाँ, बस 2 ही, सुबह और शाम। सुबह चलते चलते एक ले लेता हूँ, फिर रात को खाने के बाद एक, चलने के बाद एक ले लेता हूँ। उम्र क्या है? 35। वाह, क्या बात है। मतलब कुल मिला के ये तो हमारे सभी के लिए बहुत ही, मेरे को तो कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ ये अलादीन का चिराग है करके। क्योंकि मैं आज 22-23 साल से जो चीज़ का दवाई करवा रहा था, मेडिकल लैंग्वेज में उसकी कोई दवा नहीं, मैंने एक्यूप्रेशर करवा लिया, ये अपना क्या बोलते हैं, इंग्लिश दवा करवा लिया, आयुर्वेदिक करवा लिया, जो कोई बोलता उधर चला जा तो मैं उधर जाता था ऐसा। लेकिन आज तक मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरी बॉडी में कुछ फर्क लगा ऐसा। लेकिन हीली यूज़ करने के बाद मैं तो बोलता हूँ हीली दूसरा भगवान। बहुत बहुत बढ़िया, अपने अनुभव शेयर किया इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप और भी कुछ बोलना चाहेंगे हीली के बारे में जो आपको लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, जो लोग हीली में डाउट करते हैं कि पता नहीं हीली काम करता है? हीली यूज़ किया बाद में मेरे को जो फ़ायदा हुआ, तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 लाख लोगों को बिना दवा खिलाए अच्छा करूँगा ऐसा। अरे वाह, क्या बात है, इस
तो तीन साल का क्यों टाइगर भाई? 3 साल का टारगेट है मेरा। हाँ, 3 साल में मैं गरीब लोगों का फ्री में इलाज करूँगा।